ये कहानी है 7 साल पहले की। एक आदमी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरे आदमी ने इसी घोटाले को समझाने के लिए आंदोलन चलाया। इस दूसरे आदमी के साथ तीसरी महिला जुड़ी, चौथा आदमी जुड़ा और जो पांचवा आदमी था उसने 2G घोटाले को जनता को समझाने के लिए एक और आंदोलन छेड़ दिया, राष्ट्र का सहारा लेकर। छठा आदमी जो था उसने इस घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और फिर एंट्री हुई 7वें आदमी की। उसने इन सब लोगों की मेहनत को कंपाइल किया, जनता के सामने गया और जनता से इस घोटाले के खिलाफ वोट मांगे। आज 7 साल बाद घोटाले के सभी आरोपी बरी हो गए। काहे काहे कि भैया घोटाला हुआ ही नहीं। और इस घोटाले से किसको क्या मिला? जो पहला आदमी था वो पद्म भूषण पाकर बैंक बोर्ड का बॉस बना हुआ है। दूसरे आदमी को Z+ की सिक्योरिटी मिल गई। तीसरी जो महिला थी वो उपराज्यपाल बन गई और चौथे आदमी के हिस्से में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई। पांचवा आदमी कामयाब बिजनेसमैन बन गया अरबों खरबों कमाकर, और जो छठा आदमी था वो सांसद बन गया, और 7वें आदमी के हिस्से में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। हमें और आपको क्या मिला? हम और आप बन गए मूर्ख, बेवकूफ। और हाँ, सही मायनों में मजाक इसी को कहते हैं। जय हिंद।